अरुणाचल में चीन की सरहद पर जमीन से आसमान तक हिंदुस्तान का शौर्य दहाड़ रहा है। अरुणाचल ही नहीं, सिक्किम से लद्दाख तक एलएसी पर ऐसी सख्ती है कि चीनी घुसपैठिए भारत की जमीन पर चू तक नहीं कर सकते। और अगर करते हैं तो वही होता है जो तवांग में। तवांग में चीनी सैनिक घुसे और पीट पीट कर खदेड़े गए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांगसे में भारत और चीन की सेनाओं के बीच जो टकराव हुआ, उसके 6 दिन बाद 2 दिनों का एयर एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना करने वाली है। और ये 2 दिन आप पूर्वोत्तर के आसमानों में अलग अलग विमानों को देखेंगे। यहां पर फाइटर जेट्स होंगे, चॉपर्स होंगे, मालवाहक विमान होंगे और साथ ही UAVs भी यहां पर उड़ान भरेंगे। खासकर अरुणाचल प्रदेश में LSC पर चाइनीज घुसपैठ की हरकतें आए दिन की बात है, लेकिन इस बार की घुसपैठ को लेकर दो बड़ी बातें गौर करने की है। पहली ये कि तवांग की घुसपैठ पर शोर ऐसे मौके पर मचवाया गया जब भारत दुनिया के 20 ताकतवर देशों के समूह G20 की अध्यक्षता कर रहा है। दूसरी ये कि चीन के नाम पर देसी सियासत में सरकार को घेर कर विपक्ष नई चुनौतियां पेश कर रहा है। भारत सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि कोरोना के बाद जब दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है तो भारत की इकोनॉमी कैसे संभाली जाए। पर मिडिल क्लास जो है उनको काफी नुकसान हुआ, नौकरी तो बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रही है, वो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज दर अभी बढ़ रही है। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पॉलिटिकल पार्टी यू आर इन, इट हैज टू बी भारत को जोड़ना। नॉट ओनली ऑफ 2020, दे ट्राई टू कम एवरी ईयर एंड एवरी ईयर दे मेक 2-3 सच अटेम्प्ट्स टू कम एंड दे रिबफ्ड एवरी टाइम। ओके, of course from their side also they must be having some pressure from their senior commander and say to prime minister modi of india। bharat abhi G20 ki adhyakshta kar raha hai, wo bhi aise halaat mein jab duniya mein ek nahi kai karanon se super powers ka dhruvikaran ho chuka hai। G20 ke 20 deshon mein kai desh ek dusre ke dushman bane baithe hain। ukrain yuddh mein rus banam europe hai, karobar mein chin banam america hai, ईंधन कारोबार में खाड़ी बनाम रूस है, सामरिक संतुलन में एक तरफ चीन पाकिस्तान दूसरी तरफ अमेरिकी क्वाड है और इन तमाम मुश्किल हालात में भारत चेयर पर है। तमाम विपरीत हालात में भारत के लिए बड़ी चुनौती विपक्ष की राजनीति से निपटना है, क्योंकि विपक्ष ने सांप्रदायिकता और विकास के मुद्दों से हटकर अब राष्ट्र सुरक्षा और चीन के मुद्दे पर मोर्चा थाम लिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चीन के मसले पर पूरा सच नहीं बता रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चीन का मुद्दा संसद में उठाने नहीं दे रही। विपक्ष का आरोप है कि चीन लगातार भारत की जमीन पर कब्जा बढ़ाता जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि भारतीय सैनिकों को पलटवार से रोका जा रहा है और विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सरकार की शह पर भारत में चीन बेरोक टोक अपना व्यापार बढ़ाता जा रहा है। ऐसे देश को जो हमारे जवानों के ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है, जो हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार है, उसको हजारों लाखों करोड़ रुपए का व्यापार दिया जा रहा है, व्यापार की खुली छूट हिंदुस्तान में दे रहे हो। अब लद्दाख, लद्दाख से बरहोटी, उससे चुमार, देवसांग, देमचौक, सिक्किम, डोकलाम, अभी आ गया तवांग, हम सबको इसमें जरूर गहन ध्यान देना पड़ेगा। विपक्ष के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तो अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि 2017 में जिस जगह पर चीनी निर्माण के विरोध को रोकने के लिए भारत की फौज ने 73 दिनों तक डेरा डाल दिया था, वहाँ चीन पुल भी बना चुका है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि चीन के मसले पर संसद में खुली बहस होनी चाहिए। सरकार भी दावा कर रही है कि वो बहस के लिए तैयार है, लेकिन पिछले 3 दिन से संसद में यही हंगामा हो रहा है कि सरकार चीन पर चर्चा नहीं कर रही। आज तक ब्यूरो।